आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई दहशत पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो सोने फैक्ट्री से सोने के गहने पॉलिश करने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को नालासोपारा से और दूसरे को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 6 लाख का गहना बरामद कर लिया है। दरअसल दहिसर चिकनाका के पास नितिन इंडस्ट्रियल स्टेट में कलच स्टार नामक सोने का कारखाना है। यहीं पर आरोपी महादेव कायल 42 वर्षीय और विश्वजीत बेरा 27 वर्षीय काम करते थे। दोनों बंगाल के रहने वाले, कुछ दिन पहले ही मुंबई काम पर आए थे। दोनों कारीगर के तौर पर डायमंड पॉलिश करते थे। कारखाना मालिक ने इन्हें 27 जुलाई को सोने के 33.78 ग्राम का पेंडल और 4.86 कैरेट का हीरा दिया था, जिसकी कुल कीमत 6 लाख के आसपास है। दोनों दोपहर में खाना खाने के बहाने ज्वेलरी साथ लेकर निकले, जिसमें एक सूरत भागिया और दूसरा गहना बेचने के लिए नालासोपारा में रुका हुआ था। उस दिन जब दोनों कारखाने में गहने लेकर वापस नहीं लौटे तो मालिक ने इनकी शिकायत दहिसर पुलिस को दी। पुलिस वारदात की गंभीरता को देखते हुए एपीआई डॉक्टर चंद्रकांत घारगे, पुलिस नायक शरीफ शेख, पुलिस कांस्टेबल योगेश हीरमेट, दीपक कोल्हा की टीम ने मोबाइल को लोकेशन और दम डाटा के आधार पर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी महादेव कायल भयंदर में छुपा हुआ था और विश्वजीत बेरा अहमदाबाद से बंगाल भागने की तैयारी में था, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उसे अहमदाबाद स्टेशन के बाहर पकड़ लिया। दोनों के पास से पूरा सोना बरामद कर 100% रिकवरी की गई। महादेव के ऊपर दक्षिण मुंबई काला चौकी पुलिस स्टेशन ऐसे ही चोरी का मामला दर्ज है। जून महीने में जमानत रिहा हुआ है। मुंबई से ग्लोबल न्यूज़ टीवी के लिए रोहित जसवाल की रिपोर्ट। दहिसर पुलिस स्टेशन में नितिन इंडस्ट्रियल में एक डायमंड ज्वेलरी का, कलश स्टार डायमंड एंड ज्वेलरी का एक कारखाना है, उसमें काम करने वाला कारागिर महादेव कायल, उम्र 42, और उसका साथीदार विश्वदीप बेरा, उम्र 27, ये दोनों कलश डायमंड एंड ज्वेलरी में काम करते हैं। उनको जॉब वर्क दिया गया था, दो पेंडेंट, डायमंड और सोने के दो पेंडेंट थे, उसको पॉलिश करने का उनका जॉब वर्क था। उन्होंने वो जो काम दिया था वो 27 तारीख को काम करते करते दोपहर को खाना खाने को जा रहे करके बोल के वो पेंडेंट के साथ में बाहर चले गए। एक दो घंटे के बाद जब ये वापस नहीं आए तभी मालिक ने ढूंढा तो देखा तो ये